अब हम देखते हैं कि जो जलवायु या मौसम की हम बात कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ जो अक्षांश है, अक्षांश के साथ साथ उस स्थान की ऊंचाई, फिर पवन तंत्र हो गया, वहाँ पर मिलने वाली वायु दाब की स्थिति हो गई, वो क्षेत्र समुद्र से कितना दूर है, वहाँ पर महासागरीय धाराएं किस प्रकार से बहती हैं, और साथ ही साथ जो उच्चावचीय लक्षण हैं, जैसे कि क्या वो पर्वतीय क्षेत्र है, क्या वो मैदानी है, या क्या वो तटीय इलाका है, इन सब का प्रभाव जो है वो पर्टिकुलर उस स्थान की जलवायु पर पड़ता है। जैसे कि अभी हम अक्षांश पर चर्चा कर रहे थे और हमने एक विस्तृत चर्चा की भूमध्य रेखा से लेकर 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव तक की हमने बात की, और हमने देखा कि इसके आधार पर जलवायु से संबंधित विविधता देखने को मिलती है वहाँ पर मिलने वाले तापमान की स्थिति के कारण। और हमने बात की कि पूरे पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है, जैसे उष्ण कटिबंध, फिर शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध की हमने बात की। तो ये अलग अलग जो टेम्परेचर जोन बनाए गए हैं वो किस आधार पर थे, जैसे इक्वेटर या भूमध्य रेखा पर हमने देखा कि सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती हैं, तो वहाँ पर तापमान बहुत अधिक मिलता है और वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, इसलिए वर्ष भर वहाँ पर हम देखेंगे बहुत अधिक तापमान होता है, जिसके कारण हम उसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, उष्ण गर्म है। फिर हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं, क्रमशः उत्तरी गोलार्ध में भी और ठीक वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी पड़ती जाती हैं, या हम कहें कि सूर्य से मिलने वाला जो प्रकाश है उसमें बहुत ज़्यादा तिरछापन आता जाता है। तो इससे ही आप सामने समझ सकते हैं कि जहाँ पर भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वो एकदम सीधी पड़ रही हैं, जिसके कारण उन्हें कम क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ रहा है या कम क्षेत्र को पार करके जाना पड़ता है। लेकिन जहाँ पर उच्च अक्षांशों की तरफ ये सूर्य की किरणें तिरछी हो गई हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उन्हें एक सूर्य की किरणों को एक लंबा रास्ता जो है वो तय करना पड़ता है, जिससे वो अधिक क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। और जब अधिक क्षेत्र से होकर गुजर रही है, मतलब एक वायुमंडल का बड़ा आवरण जो है वो पार करके उस स्थान तक पहुंच रही हैं, जिसके कारण रास्ते में ही एक तो बहुत कुछ उन किरणों का अवशोषण कर लिया जाएगा वायुमंडल की विभिन्न परतों के द्वारा, और उसके बाद फिर वो उस धरातल तक पहुंचेंगी। तो ऐसे ही ताप की या ऊर्जा की कम मात्रा जो है वो उस क्षेत्र तक पहुंच पाती है, जिसके कारण वहाँ पर उन क्षेत्रों में ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंडी, शीतोष्ण कटिबंध, शीत और उष्ण कटिबंध के नाम से हम जानते हैं। लेकिन जैसे ही हम ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सूर्य की बहुत बहुत ज़्यादा तिरछापन आ जाता है सूर्य की किरणों में, और इसके कारण और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ये टिल्टेड है, हमारी अर्थ जो है वो टिल्टेड है, झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण भी जो है यहाँ पर और साथ ही सूर्य के तिरछेपन के कारण, सूर्य के प्रकाश के, हम देख रहे हैं कि पूरे दोनों ध्रुवों में, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, प्रकाश की बहुत कम मात्रा जो है वो मिल पाती है, और एक प्रकार से वो एक बहुत शीत क्षेत्र, बहुत ज़्यादा ठंडा क्षेत्र होता है, जिसे हम शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन जो है वो कहते हैं। तो अक्षांश का प्रभाव तो पड़ता ही है, इसके साथ हम देखते हैं कि ऊंचाई, हमें मालूम है कि जो अलग अलग स्थलाकृतियाँ होती हैं सभी जगह एक समान नहीं है, मतलब समुद्र तल से या धरातल से हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो हम देखेंगे कि ऊंचाई में ये जो भिन्नता है वो तापमान में भिन्नता लेकर आती है। वो कैसे, जैसे हमें मालूम है कि हमारे धरातल के आसपास की जो सतह है वहाँ पर चलने वाली जो हवा है वो सघन होती है, सघन ऐसे मतलब यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा भी अधिक मिलेगी, धूल कणों की भी मात्रा अधिक मिलेगी, और प्रकाश सूर्य का जो प्रकाश जितनी भी मात्रा में यहाँ पर आता है तो वायुमंडल में या हवा में उपस्थित इन कणों के द्वारा भी ये सोख लिया जाता है और शोषित कर लिया जाता है। हमें मालूम है कि हमारे धरातल के आसपास ही वायुमंडल की निचली सतहों में ही जो भारी गैसें हैं ये इनकी भी उपस्थिति देखने को मिलती है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में। तो इसी कारण से धरातल की निचली सतहों में या कम ऊंचाई पर हम देखेंगे कि तापमान अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे हम
ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वायुमंडल की ये सघनता कम होती जाती है। वायुमंडल की सघनता मतलब वायुमंडल में ये जो जल वाष्प की मात्रा, नमी की जो मात्रा मिलती है, इसके साथ ही साथ जो धूल कण होते हैं और हवा भी यहाँ पर जो है वो विरल होती जाती है, हल्की गैसें जो हैं वो ऊपर की तरफ मिलती हैं, तो इनके द्वारा जो है वो सूर्य के प्रकाश की कम मात्रा अवशोषित की जाएगी और जिसके कारण हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान में जो है वो हमें कमी देखने को मिलती है। वो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से घटती जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में या अति लघुतरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि ऊंचाई में जाने पर तापमान किस दर से जो है वो कम होता है। तो ये हो गया। अब इसके साथ ही हम देखते हैं कि वायुदाब और पवन तंत्र। बच्चों, वायुदाब के संबंध में आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी। जैसी वायुदाब की स्थिति होती है उसी आधार पर वहां पर पवन तंत्र मतलब पवने जो है वो चलती हैं। अब वायुदाब क्या होता है? किसी स्थान पर मिलने वाली वायु की सघनता को हम क्या कह रहे हैं, वायुदाब, या वायु का पड़ने वाला जो दबाव है उसे हम वायुदाब कहते हैं। जैसे कि अब इसी को थोड़ा और समझ लेते हैं कि वायुदाब के आधार पर पवन तंत्र कैसे प्रभावित होगा। तो वायुदाब जो है वो हवाओं के चलने को प्रभावित करती है। वो इसलिए कि पवने जो हैं या हवाएं जो हैं वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। भाई, आप अपने खुद के लिए भी ये महसूस कर सकते हैं कि जहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में खड़े हैं या बैठे हैं तो आप क्या कोशिश करेंगे कि अगर थोड़ी ही दूर पे आपको बहुत कंफर्टेबल जगह जहाँ पर आप रिलैक्स होके खड़े हो पाएँ या बैठ पाएँ तो आप ये हमेशा ये कोशिश करेंगे कि उस अधिक प्रेशर वाले, अधिक भीड़ वाले इलाके से आप उस खाली जगह पे जाना पसंद करेंगे। ठीक उसी प्रकार हवाएं भी होती हैं, जहाँ पर हवाओं का दबाव बहुत अधिक हो जाता है तो हवाएं ऐसी जगह की तलाश करती हैं जहाँ पर प्रेशर कम हो, दबाव अधिक हो, सघनता कम हो। तो हवाएं जो हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। अब ये प्रेशर में, ये दाब में जो है वो हम देखेंगे तापमान के साथ इसका संबंध, तो एक विपरीत संबंध देखने को मिलता है। मतलब जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ पर दाब कम होगा और जहाँ ताप कम होगा वहाँ पर वायुदाब की स्थिति अधिक मिलेगी। वो क्यों? कि जहाँ पर भी तापमान अधिक होता है तो हवा जो है वो गर्म हो जाती है, गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है, जिससे वहाँ पर उस स्थान में हवा का प्रेशर कम हो जाता है और ठंडी हवा जो है, हम कहें कि ठंडे स्थानों वाले में हवा भी उस स्थान की ठंडी हो जाएगी और ठंडी चीज़ जो है वो भारी होती है, भारी होकर ये नीचे की तरफ इसमें बैठने की प्रवृत्ति होती है। तो उस स्थान पे जहाँ पर हवाएं नीचे की तरफ उतरेंगी प्रेशर जो है वो जो अधिक हो जाता है। तो ताप और दाब में हमें विपरीत संबंध देखने को मिलता है, उच्च ताप निम्न दाब और निम्न ताप उच्च दाब। और हवाओं की प्रवृत्ति भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि हवाएं जो हैं वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। इसे हम और आगे पढ़ेंगे जब हम भारत का मानसून विषय पर चर्चा करेंगे। अब इसके साथ ही हम देखते हैं समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी भी जो तापमान या वर्षा इन चीज़ों को प्रभावित करती है वो कैसे? जैसे तटीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर तापमान में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे हम महाद्वीप के आंतरिक भागों में जब हम जाएंगे तो हमें इसमें तापमान में वेरिएशन, चाहे वो दैनिक तापमान की हम बात करें या ऋतुओं के अनुसार तापमान में जो परिवर्तन होता है उनकी बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। वो कैसे? जैसे गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडी, लेकिन तटीय क्षेत्रों में हम देखेंगे तो ये अंतर हमें बहुत कम देखने को मिलता है। और कारण क्या है कि जो स्थल भाग से घिरे क्षेत्र हैं उसमें तापमान में बहुत वेरिएशन और तटीय क्षेत्रों में हमें ये वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलता है? कारण ये है कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं या जलीय क्षेत्र जो होते हैं
वहाँ पर उन जलीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक गहराई तक प्रवेश करता है। लेकिन जो हम स्थल भाग देखेंगे तो धरातलीय क्षेत्रों में या चट्टानी क्षेत्रों वाले हिस्से में उसका ऊपरी हिस्सा या धरातल का ऊपरी हिस्सा ही जो है वो सूर्य का प्रकाश, वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। बहुत अधिक गहराई तक जो है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं करता। तो जो चीज़ गहराई तक प्रवेश कर रही है तो उसे वापस उसमें से विकिरण होने में भी समय लगेगा। तो इसी कारण से जो तटीय क्षेत्र या जलीय क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, महासागर या सागरों की स्थिति की हम बात करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि ये धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ही ठंडे होते हैं। इसमें तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक ये धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं तब तक सूर्य की स्थिति जो है वो बदल जाती है। उत्तरायण या दक्षिणायन हो गई, ऋतुओं में परिवर्तन हो गया, ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु आ गई, और जैसे ही फिर वापस उसमें जितना तापमान उसमें अवशोषित हुआ है उसमें फिर वापस विकिरण होता है, तो वो भी धीरे धीरे ही होता है, क्योंकि उसकी परत दर परत जो है वो गर्म होती है और ठीक उसी प्रकार परत दर परत जो है वो ठंडी भी होती है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसी में, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे कि एक आप पानी गर्म कर रहे हैं या आप दूध गर्म करते हैं, मान लो आप पानी गर्म कर रहे हैं किसी पतीले में और आपको लगेगा कि वो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो आप उसे क्या करते हैं, थोड़ा ठंडा होने के लिए रखते हैं। थोड़ा ठंडा होने के लिए आप किसी ठंडे पानी से भरे पतीले में आप वो एक गिलास जो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया पानी उसको आप रखते हैं, और आप क्या महसूस करेंगे, आप जब ऊपर से उसको छूते हैं उस पानी को और आपको लगता है कि ये गुनगुना हो गया आपके पीने के लायक, और जब आप उसे पीते हैं तो आखिरी की जो 3 से 4 घूंट है ऊपर का जो पानी पीते हैं आप पूरा ग्लास का, तो आपको लगेगा कि ये गुनगुना है, लेकिन जो आखिरी की 3 से 4 घूंट है जब आप उसे पीते हैं तो आपको लगता है कि वो एकदम ठंडा हो गया। तो मतलब क्या हुआ, जब आपने उसे ठंडा करने के लिए रखा तो उसकी निचली सतह से पहले विकिरण हुआ, तापमान जो है वो ऊपर गया, फिर परत दर परत जो है वो क्रमशः ठंडी हो रही है, इसीलिए उसकी जो ऊपरी सतह है उस ग्लास के पानी की वो बहुत ठंडी नहीं हो पाती, वो तब तक गुनगुनी ही है, लेकिन उसकी उस ग्लास की जो निचली सतह का पानी है वो बहुत ठंडा हो जाता है या उसका तापमान उससे बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। तो हम यही देख रहे हैं कि जल में सूर्य का प्रकाश गहराई तक प्रवेश करता है, इसी कारण उससे गर्म होने में भी समय लगता है, वो धीरे धीरे गर्म होता है, क्योंकि पहले ऊपरी सतह फिर निचली सतह फिर निचली सतह, और ठीक उसी प्रकार ठंडा होने में भी उसे उतना ही समय लगता है। लेकिन हम किसी धरातलीय क्षेत्र में जाते हैं या स्थल से घिरे हुए भूभाग में जाते हैं, चट्टानी क्षेत्र में हम जाएंगे या देखेंगे, तो वहाँ पर चूंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो ऊपरी सतह तक ही वो उसके ऊपरी सतह को ही गर्म करता है, इसलिए वो जितनी जल्दी गर्म होता है क्योंकि वो उतनी सतह को ही गर्म कर रहा है, उतना ही अवशोषण हो रहा है, इसलिए वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाएगा और वापस विकिरण भी उसी ऊपरी सतह से ही होने के कारण वो उतनी ही जल्दी जो है वो ठंडा भी हो जाता है। तो यही कारण है कि जब हम समुद्र से दूरी जो है वो उस स्थान की उसके तापमान को प्रभावित करती है और तापमान जो है वो जलवायु को प्रभावित करती है। इसलिए जो तटीय क्षेत्र या समुद्र से कम दूरी पर समुद्र तट पर स्थित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हमें सम जलवायु वाला क्षेत्र मिलता है। सम जलवायु मतलब जहाँ पर गर्मी में ना बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी और ना ठंडे में बहुत अधिक ठंडी पड़ेगी, तो इसे हम सम जलवायु क्षेत्र कहते हैं, और ये सम जलवायु क्षेत्र जो है वो आपके समुद्र से सटे हुए क्षेत्रों में मिलता है। लेकिन जैसे ही हम महाद्वीपीय क्षेत्र में जाते हैं या स्थल भाग से घिरे हुए क्षेत्र में जाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि वहाँ पर विषम जलवायु या महाद्वीपीय जलवायु देखने को मिलती है। और महाद्वीपीय जलवायु मतलब वहाँ पर गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी और ठंडी में बहुत अधिक ठंडी पड़ेगी। और इसका जो अंतर है वो आप समझ सकते हैं, जैसे जो तटीय क्षेत्र में स्थित मुंबई हो गया, गोवा हो गया, या हम चेन्नई की बात कर लें, यहाँ पर जो सर्दियों के मौसम में जो टेम्परेचर होता है और गर्मियों के मौसम में जो टेम्परेचर होता है, और उसी को आप जैसे जो आंतरिक क्षेत्र हो गए, जैसे दिल्ली है, पटना है, कानपुर है, इलाहाबाद है, यहाँ पर आप चले जाएंगे
तो यहाँ पर सर्दियों के मौसम में जो टेम्परेचर होता है और गर्मियों के मौसम का टेम्परेचर, ये दोनों के वेरिएशन से आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी, और किन क्षेत्रों में इन दोनों ही मौसम के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलता। अब इसके बाद हम देखेंगे जो महासागरीय धाराएं चलती हैं, जो तटीय क्षेत्रों में महासागरीय धाराएं भी, इनकी भी प्रवृत्ति या तो वो गर्म होती हैं या ठंडी होती हैं, और जिस स्थान से ये महासागरीय धाराएं चलती हैं वो वहाँ के उस स्थान के पवन प्रवाह को भी अपनी तरफ ले चलती है। और इसीलिए हम देखेंगे कि उन तटीय क्षेत्रों का जो मौसम होता है उन महासागरीय धाराओं के ऊपर ही डिपेंड करता है। मतलब जिन तटों पर गर्म जल धाराएं बहती हैं समुद्रों में, वहाँ पर तटीय जलवायु जो है वो उष्ण मिलेगी, गर्म मिलेगी। लेकिन जिन क्षेत्रों में हम देखेंगे कि तटीय क्षेत्रों में ठंडी जल धाराएं बहती हैं, तो वहाँ पर तटीय क्षेत्र की जलवायु जो है वो ठंडी होती है, गर्म नहीं होती। आपके लिए एक विचार करने योग्य प्रश्न है, और आप इस पर चर्चा भी करेंगे कि महाद्वीपों में जितने भी जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वो हमें महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में ही क्यों देखने को मिलते हैं। अधिकतर जो मरुस्थल हैं वो आपको महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में ही देखने को मिलेंगे, और कारण यही है कि महाद्वीपों के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पर ठंडी जलधाराएँ बहती हैं। चाहे हम बात कर लें पेरू या हम्बोल्ट की धारा, या हम बात कर लें आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, तो जितने भी जो मरुस्थल हैं विश्व के, आप इस मानचित्र पर उसके लोकेशन भी देख पा रहे होंगे, तो ठंडी जल धाराओं के बहने के कारण वहाँ पर मरुस्थल की स्थिति देखने को मिलती है। और कारण यही है, जलधारा ठंडी है, मतलब ठंडी जलधारा नहीं है तो वहाँ पर वेपोरेशन नहीं होगा, वेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा तो वाष्प ऊपर बनकर ऊपर जाकर बादल नहीं बनाएंगे, बादल नहीं बनाएंगे तो वर्षा नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर गर्म जलधारा मिलेगी तो वहाँ पर गर्म जलधारा बहने के कारण तापमान अधिक होगा उस तट का, अधिक तापमान इसके कारण वाष्पीकरण, अधिक वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के बाद फिर क्लाउड फॉर्मेशन मतलब बादलों का निर्माण होगा, और वो क्लाउड फॉर्मेशन या बादलों के निर्माण के बाद फिर वहाँ पर उन तटीय क्षेत्रों में हमें वर्षा जो है वो प्राप्त होगी। लेकिन जहाँ पर तापमान ही बहुत कम है तो वहाँ पर वेपरेशन वाली तो बात होगी ही नहीं, जिससे बारिश भी नहीं होगी। और इसीलिए हम देखते हैं कि अधिकतर जो महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें मरुस्थल जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर जो चलने वाली महासागरीय धाराएं हैं वो ठंडी धाराएं हैं। इसके साथ ही साथ उच्चावच लक्षण, उच्चावच लक्षण मतलब जो हमने स्थलाकृति की बात की थी ना, कि कहीं पर पर्वत मिल रहे हैं, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, और कहीं तटीय क्षेत्र हैं। तो तटीय क्षेत्र में अगर गर्म जल धारा बहेगी तो क्या होगा कि वो पूरा वाष्प पर लेकर चलेगी, ऊपर आर्द्रता को लेकर अपने साथ ऊपर उठेगी, वाष्पीकरण होगा और वर्षा करेगी। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो जो चलने वाली वाष्प भरी हवाएं हैं उनके रास्ते में बाधा के रूप में काम करते हैं, और उन पवनों को रोककर वहां पर भरपूर वर्षा कराते हैं। लेकिन अगर हम पर्वतीय क्षेत्र में ही दो उसके भाग होते हैं, पहला पवनाभिमुख ढाल, पवन अभिमुख ढाल मतलब जो हवा के सामने वाला ढाल है उसे हम पवन अभिमुख ढाल कहते हैं, और जो क्षेत्र जो ढाल उसके पीछे तरफ पड़ता है उसे हम पवन विमुख ढाल कहते हैं। इस मानचित्र से आप, इस पिक्चर से बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे कि पर्वत का कौन सा ढाल जो है वो पवनाभिमुख ढाल होता है, और कौन सा ढाल जो है वो पवन विमुख ढाल होता है, कौन सा सामने वाला और कौन सा पीछे वाला। तो जो पर्वतीय क्षेत्र पवन अभिमुख ढाल के रास्ते में पड़ते हैं जो क्षेत्र, वो बहुत अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारे भारत के ही, भारत का ही हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अरब सागर से या हिंद महासागर की जो शाखा, अरब सागरी शाखा ऊपर की तरफ उठती है, वो पश्चिमी घाट के सहारे सहारे पश्चिमी घाट का जो पर्वतीय हिस्सा उसके रास्ते में बाधा रोक कर
वर्षा कनारे का काम करता है, मतलब इस ढाल के सहारे ये पर्वतीय क्षेत्र इतने ऊपर होते हैं कि ये हवाओं को उतना ऊपर उठाते हैं, संघनन होता है, संघनन के बाद फिर बारिश होती है। तो जितनी वर्षा जो है वायु में उपस्थित जितनी आर्द्रता या नमी है, इसको ये हवाएं इस पवन अभिमुख ढाल में ही, पवनाभिमुख ढाल में ही निकाल देती हैं। और अधिकतम वर्षा जो है वो इस पवनाभिमुख ढाल में हो जाता है। फिर जैसे ही ये पवने या हवाएं उसके उस ढाल के विपरीत ढाल की तरफ उतरती हैं, जिसे हम पवन विमुख ढाल कहते हैं, तो इनमें नमी या आर्द्रता की मात्रा बहुत कम बचती है। और साथ ही साथ ये हवाएं जब नीचे की तरफ उतर रही हैं, तो नीचे उतरने से क्या होगा, इन हवाओं की एक परत से दूसरी परत में ही संपीड़न होता है, संपीड़न से गर्मी होगी, और गर्मी के कारण फिर ये हवाएं जो हैं वो शुष्क प्राय हो जाती हैं, और बहुत कम मात्रा जो है वो इनकी पवन विमुख ढाल को प्राप्त हो पाती है। तो स्थलाकृति या उच्चावच जो है ये भी उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। इसी को आप एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम पूर्वांचल में चले जाएं या पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ हम देखेंगे, तो विश्व का अधिकतम जो वर्षा प्राप्त करने वाला हमारा राज्य है मेघालय, उसका मासिनराम जो जगह है, वहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो एक अवरोधक के रूप में खड़ी हुई होती हैं, और यहाँ से बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है ये इन पहाड़ियों के सहारे ऊपर की तरफ उठती है और भरपूर वर्षा करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम राजस्थान में चले जाएं, तो राजस्थान में जो अरावली पर्वत है, मतलब राजस्थान का एक विशाल मरुस्थल होने का कारण ही यही है कि यहाँ पर अरावली पर्वत की जो स्थिति है ये इन मानसूनी हवाओं के समानांतर में पड़ती है, और साथ ही साथ इसकी ऊंचाई भी बहुत कम है, जो इन मानसूनी हवाओं के लिए एक बाधा का रूप नहीं दे सकती या बाधा के रूप में काम नहीं कर पाती, जिसके कारण यहाँ से हवाएं जो हैं वो पैलर उत्तर की तरफ निकल जाती हैं, और पूरा समूचा जो पश्चिमी राजस्थान है वो एक मरुस्थल के रूप में देखने को हमें मिलता है। और इसके साथ ही एक और बड़ा एग्जाम्पल, जो हम अपने हिमालय पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं, बच्चों अगर ये हिमालय पर्वत श्रेणी, ये जो स्थलाकृति हमारे भारत में नहीं होती, तो हमारा पूरा उत्तर भारत का जो मैदान, अभी उपजाऊ मैदान जो हमें देखने को मिलता है, ये भी एक विशाल मरुस्थल के रूप में होता, क्योंकि ये हिमालय पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर अवरोधक के रूप में या बाधा के रूप में काम नहीं करती, जिसके कारण मानसून की किसी भी शाखा के द्वारा यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, और ये हवाएं जो हैं वो तिब्बत के पठार की तरफ, साइबेरिया की तरफ उत्तर में चली जाती, और पूरा समूचा उत्तरी भारत जो है वो एक विशाल रेगिस्तान या विशाल मरुस्थल के रूप में होता। लेकिन अभी वर्तमान में जो हिमालय पर्वत श्रेणी की स्थिति है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ से उठने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं उसके लिए एक बाधा के रूप में काम करती हैं, और वहाँ पर भरपूर वर्षा जो कराती हैं। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि जैसे ही अभी हमने बात की थी कि इसमें हम उत्तर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो जहाँ जहाँ स्थलाकृति की बनावट के आधार पर वर्षा में हवा में जो नमी की मात्रा है वो पहले निकल जाती है, फिर आगे बढ़ने के साथ साथ ये नमी की मात्रा जो है वो कम होती है, और बारिश की मात्रा भी इसके साथ कम होती जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए जो कंट्रोल करते हैं किसी भी स्थान के क्लाइमेट को, जलवायु को, और हमने एक विस्तृत चर्चा की कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं हमारे भारत की जो जलवायु है उसको कौन कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो मुख्य रूप से जो 6 कारक हैं ये हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। पहला है अक्षांश, दूसरा धरातल से ऊंचाई, तीसरा समुद्र से दूरी, चौथा है महासागरीय धाराएं। इसके अलावा जो वायुमंडली, ऊपरी वायुमंडली परिसंचरण है या उष्णकटिबंधीय चक्रवात और धरातलीय स्थिति, ये सभी फैक्टर जो हैं ये हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं अक्षांश। बच्चों हमारे भारत के विस्तार की हमने पहले भी बात की है कि इसका अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है।
और कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो हमने कहा था कि कच्छ के रण से मिजोरम राज्य तक फैली हुई है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो हम देख रहे हैं कि भारत का जो अधिकांश हिस्सा 23.5 डिग्री से जितना दक्षिणी हिस्सा है वो हमें पता है कि ट्रॉपिकल जोन में आता है उष्णकटिबंध में, और 23.5 से उत्तर की तरफ या कर्क रेखा से उत्तर की तरफ हम जाते हैं तो वो हिस्सा जो है वो आपका टेम्परेट जोन में आता है। तो हम क्या देख रहे हैं, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हमारे भारत का विस्तार है, तो इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो आपके ट्रॉपिकल जोन में या उष्णकटिबंध में आता है, और इसका जो दक्षिणी हिस्सा है वो तो भूमध्य रेखा के बहुत पास है, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट से जो है वो हमारे भारत का विस्तार शुरू होता है। तो हम देखते हैं कि इसका जो दक्षिणी भाग है या अधिकांश हिस्से में जो कर्क रेखा का जितना भी दक्षिण में स्थित भूभाग है वहाँ पर टेम्परेचर या तापमान जो है वो अधिक होता है, लेकिन जब हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो उत्तर में अपेक्षाकृत गर्मी जो है वो कम पड़ती है, या हम कहें कि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये आता है। अब दूसरा जो फैक्टर है वो है धरातल से ऊंचाई। अभी हमने बात की थी कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो तापमान जो है वो घटता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि वायुमंडल के जो संगठक तत्व की हम बात कर रहे हैं वो सतह से ऊपर की तरफ जाने में हमें उसमें कमी दिखाई पड़ती है, चाहे वो जल वाष्प हो, धूल के कण हो, या गैसों की हम बात करें तो विरल गैसें हमें देखने को मिलती हैं, और धरातल के पास इनकी मात्रा जो है, सघनता जो है वो अधिक मिलती है, जिसके कारण ये आने वाले सूर्य के प्रकाश को बहुत अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं और यहाँ पर तापमान अधिक होता है, लेकिन ऊंचाई में जैसे जैसे हम जाते हैं तो तापमान घटता जाता है, और ये प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर हम देखेंगे इसकी जो मात्रा है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाती है, या प्रति किलोमीटर की ऊंचाई में हम जाएंगे तो 6.5 डिग्री की दर से जो है वो तापमान घटता जाता है। और यही कारण तो है कि जो बच्चे मैदानी क्षेत्र में निवास करते होंगे वो ये कोशिश करते हैं कि जब गर्मियों की छुट्टियां लग जाएं या जब गर्मियों का मौसम हो तो जैसे शिमला है, नैनीताल, मसूरी, ये सभी जगह आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरे जो क्षेत्र हैं ये हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हैं, या दक्षिण में भी हम बात करेंगे तो ये पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर कि धरातल से ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पर तापमान ग्रीष्म ऋतु में कम देखने को मिलता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला तीसरा प्रमुख कारक है समुद्र से दूरी। बच्चों, हम सभी को पता है कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है जो इसे प्रायद्वीपीय स्थिति प्रदान करता है वो कारण है कि ये तीन ओर से, तीन भाग से समुद्र से घिरा हुआ है। पश्चिम की तरफ अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तो हम ये देखते हैं कि भारत का जितने दक्षिणी भाग है या भारत के जितने दक्षिणी राज्य हैं वहाँ पर समुद्र का समकारी प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे, हम उत्तर के विशाल मैदान की बात करें या पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, तो उसमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर विषम जलवायु या जिसे हम महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव कहते हैं वो हमें मिलता है। तो समजलवायु मतलब वहाँ ग्रीष्म ऋतु में ना बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी, ना शीत ऋतु में बहुत अधिक ठंड पड़ेगी, और दैनिक तापांतर भी हम देखेंगे कि बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब दिन का अधिकतम तापमान और रात का न्यूनतम तापमान जो है, तो ये दोनों में ही अंतर जो है वो बहुत मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। और कारण यही है कि हम इस बात पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जली हिस्सा जो होता है, जल भाग जो है, जल और स्थल की प्रवृत्ति में अंतर होता है। जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, और कारण भी हम पहले जान चुके हैं कि इसमें सूर्य का जो प्रकाश है उसकी जो किरणें हैं वो गहराई तक प्रवेश करती हैं, इसीलिए इसे गर्म होने में भी टाइम लगता है और वैसे ही ठंडा होने में भी समय लगता है। लेकिन जो धरातली हिस्से होते हैं या भूमि का जो हिस्सा होता है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है वो ऊपरी धरातली सतह तक ही पहुँचता है या उसको ही गर्म करता है, इसलिए वो बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है और बहुत उतनी ही शीघ्रता से ठंडा भी हो जाता है।
इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, यदि आप अपने छत पर चले जाएं गर्मियों के मौसम में, मतलब मई अप्रैल या मई के महीने में यदि आप अपने घर की छत पर चले जाते हैं और वहाँ पर एक खाली ज़मीन है और एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर थोड़ा सा पानी भरा होगा, तो उस ज़मीन वाले हिस्से में खाली फर्श वाली जो छत है वो जो हिस्सा है, अगर वहाँ पर आप पैर रखते हैं तो आप कुछ सेकंड के लिए भी खड़े होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो बहुत तेज गर्म होगा। लेकिन यदि आप वहीं जो थोड़ा बहुत हिस्सा जहाँ पर हमने पानी भर कर रखा है उस हिस्से में यदि आप खड़े हो जाते हैं तो आप कुछ मिनटों तक भी खड़े रह सकते हैं क्योंकि दोनों के तापमान में अंतर होगा। तो कारण यही है कि जल जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए वहाँ पर जितने भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो राज्य होंगे, जो क्षेत्र प्रदेश होंगे, वहाँ पर हमें सम जलवायु वाला क्षेत्र मिलता है। मतलब ना वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी ना ठंड के मौसम में बहुत अधिक सर्दी पड़ेगी। लगभग हम कहें कि 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही वहाँ पर तापमान जो है वो बना रहता है। लेकिन वहीं यदि हम मैदानी इलाकों में चले जाएं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, कानपुर है, राजस्थान का कोई क्षेत्र है, यदि हम इन क्षेत्रों में चले जाते हैं तो हम क्या देखेंगे, गर्मियों में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, लू से बहुत लोग मर जाते हैं, और वहीं हम ठंड की स्थिति देखेंगे, शीत ऋतु की जो स्थिति है वो देखेंगे, तो वहाँ पर शीतलहरों के चलने के कारण भी बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे भारत में समुद्र की दूरी जो है वो प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी कारण से पूरे दक्षिणी भारत के जितने भी तटीय राज्य हैं या दक्षिणी भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर समुद्र का ये समकारी प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम कर्क रेखा के उत्तर की तरफ जाते हैं, जो पूरी तरह से स्थल भाग से घिरे हुए राज्य हैं, वहाँ पर हमें विषम जलवायु या महाद्वीपीय जलवायु जो है वो देखने को मिलती है। अब हम दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट जो फैक्टर है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है वो है वायुदाब। बच्चों, वायुदाब में अंतर जो है, जो हमने बात की है कि हमारे भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी टाइप की जलवायु है, और हमने मानसूनी शब्द को भी समझा कि मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब ये है कि ऐसी हवाएं जो मौसम के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल देती है। तो इस बात को भी हमने पहले चर्चा की कि हवाओं की प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं, तो इसमें यही फैक्टर काम करता है। जो हमने देखा ना, जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं वो सभी पॉइंट्स को आपको एक दूसरे से कोरिलेट करते चलना है। अभी हमने क्या देखा था, समुद्र से दूरी में इसका, भारत का जो दक्षिणी भाग है वो वहाँ पर समुद्र का समकारी प्रभाव है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होने पाता, और यदि हम उन महासागरीय स्थलों पर चले जाएं या महासागरीय क्षेत्रों में चले जाएं तो हम वहाँ पर क्या देखेंगे कि वहाँ पर और ज़्यादा जो है टेम्परेचर ना बहुत अधिक होगा ना बहुत कम होगा। लेकिन यदि हम अपने भारत के उत्तरी भूखंड वाले इलाके में चले जाएं तो इसमें हमें तापमान में बहुत विषमता देखने को मिलेगी। तो हम क्या देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु जब होगा, गर्मी का मौसम जब होगा, तो भारत का जो उत्तरी इलाका है वहाँ पर पूरे स्थलीय भाग में हम क्या देखेंगे, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हमने ये भी पढ़ा है कि ताप और दाब में विपरीत संबंध होता है, जब तापमान उच्च होगा, अधिक होगा, तो वायुदाब की स्थिति निम्न होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा, तापमान अधिक होने से वहाँ की हवा भी गर्म हो जाएगी, गर्म हवा फैलती है और फैलकर ऊपर की तरफ उठती है, तो जब वहाँ से हवा ऊपर की तरफ उड़ जाएगी तो वो स्थान जो है वो रिक्त हो जाएगा, वहाँ पर हवा की स्थिति जो है वो विरल हो जाएगी, तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत ठंडा है, और अगर वहाँ पर किसी स्थान का जो तापमान है वो कम है, ठंडा है, तो हम क्या देखेंगे, ताप और दाब में फिर से विपरीत संबंध, टेम्परेचर लो तो प्रेशर हाई। तो ठीक ऐसे ही भारत में भी स्थिति बनती है, जब गर्मी का मौसम होता है तो पूरे उत्तर के स्थलीय भाग में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और प्रेशर की स्थिति लो हो जाती है, और वहीं
तीन और जो महासागरों से ये घिरा हुआ है, जो महासागरीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर हम क्या स्थिति देखेंगे कि यहाँ पर स्थल भाग की अपेक्षा टेम्परेचर जो है वो कम होता है। तो टेम्परेचर कम तो प्रेशर हाई। तो अब हवाएं किस तरफ से चलेंगी? महासागरीय क्षेत्र से स्थल भाग की तरफ, भारत के स्थलीय भूखंड की तरफ। अब जब इसको हम ठीक विपरीत कंडीशन कर देते हैं, परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, जब शीत ऋतु आएगी या ठंड का मौसम आएगा, तो हम क्या देखेंगे? पूरे उत्तर भारत का जो है टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो जाएगा। और टेम्परेचर कम है मतलब प्रेशर हाई हो जाएगा, उच्च दाब हो जाएगा। लेकिन वहीं जलीय स्थिति में हम क्या देखेंगे? टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हाई है तो प्रेशर लो। अब पवनों की दिशा जो है वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अब हवाएं जो हैं वो भारत के स्थलीय भूभाग से महासागरों की तरफ चलने लगेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये सोचने वाली बात है, हमने दोनों ही स्थितियों में देखा कि हवा जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रही है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलने में कंडीशंस क्या बन रही हैं? एक में हम देख रहे हैं कि हवा जो है वो स्थल भाग से जली भाग की तरफ चल रही है, और दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि जल भाग से स्थल भाग की तरफ चल रही है। तो जरा आप सोच कर बताइए कि बारिश किस में होगी? भाई नेचुरली है ना, जो हवाएं जली भाग से स्थल भाग की तरफ चलेंगी, जिनकी उत्पत्ति जलीय क्षेत्र से हो रही है, तो वो आर्द्रता से भरी होंगी, नमी से भरी होंगी, वाष्प से भरी होंगी, और वही हवाएं जो हैं वो स्थल भाग में जाकर वर्षा करेंगी। लेकिन इसके विपरीत जो स्थलीय भाग से आ रही हवाएं वो क्या हो जाएंगी? शुष्क होंगी, क्योंकि वहाँ पर कोई जलीय क्षेत्र नहीं है, और शुष्क हवाएं जो हैं वो कहाँ से वर्षा करेंगी? तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं वो वर्षा करती हैं, लेकिन उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं जो हैं वो शुष्क होती हैं। तो वायुदाब का जो प्रभाव है वो हमारे भारत की जलवायु में इस प्रकार देखने को मिलता है, या हम कहें कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमारे भारत की स्थलाकृति है, जली और क्षेत्र से घिरे होने के कारण जो है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम हिमालय पर्वत की स्थिति। हम देखते हैं कि हमारे भारत का उत्तरी जो क्षेत्र है वहाँ पर हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका विस्तार है। और इस बात पर हमने और भी चर्चा की है कि हिमालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो हमारे भारत की जलवायु में देखने को मिलता है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत से भारत में जो मानसूनी हवाएं हैं वो वर्षा नहीं कर पाती, क्योंकि हमें मालूम है कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो हवाओं के रास्ते में एक बाधा अवरोध का काम करते हैं, और वहीं पर रोक कर वो बारिश कराते हैं। अगर कल्पना कीजिए कि हमारे भारत के उत्तर में ये विशाल हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती, तब क्या होता? ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ता, वो भारत से और आगे अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो तिब्बत चाइना की तरफ वो आगे बढ़ जाता। और जब कोई पर्वतीय अवरोध ही नहीं है तो हवाएं जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ गई तो कोई वर्षा नहीं होगी। तो हम क्या देखते कि हमारा जो पूरा उत्तर भारत है, जो भी उपजाऊ जलोढ़ मैदान के नाम से हम जिसे जानते हैं, वो पूरा विशाल मरुस्थल के रूप में हमें देखने को मिलता। अब दूसरी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि ये जितनी ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली हवाएं हैं, क्योंकि हमारा भारत का जो उत्तरी छोर है वो तो हमें पता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है, लेकिन इसके उत्तर में हम चले जाएं तो शीतोष्ण और शीत कटिबंध देखने को मिलता है। तो अगर ये हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत तिब्बत के बाद जो साइबेरिया का जो क्षेत्र है, जहाँ से बहुत अधिक ठंडी हवाएं आती हैं और ध्रुवीय क्षेत्रों से जो ठंडी हवाएं आती हैं शीत ऋतु में, उसे ये रोकने का एक बैरियर का काम करता है हमारा जो हिमालय पर्वत है वो। और अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो हमारे भारत की जो रक्षा है वो इस अत्यंत ठंडी पवनों से, शीत लहरों से नहीं हो पाती, और पूरा भारत जो है वो इन शीत लहरों की चपेट में आ जाता। तो हमारे भारत की जलवायु में इस हिमालय पर्वत की जो है वो दो महत्वपूर्ण भूमिका हम देखते हैं। इसके अलावा
जो और एक महत्वपूर्ण फैक्टर हम कह सकते हैं जो हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है वो है ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण। अब ये ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण क्या है? जेट प्रवाह, इसके अंतर्गत जो हम देखेंगे जेट धाराएं या जेट हवाएं, इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ की हम बात करेंगे। ये कुछ फैक्टर्स हैं, इसको जब हम मानसून पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका परिचय मैं आपको दे देती हूँ कि धरातल से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायुमंडल है और वायुमंडल में भी हमको अलग अलग परतें मिलती हैं, जिसमें सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है। अब हवाएं जो धरातल से ऊपर की तरफ उठती हैं, फॉर एग्जांपल यदि हम विषुवत रेखा की बात करें तो इस विषुवत रेखा में हम देखते हैं कि सूर्य किरणें जो हैं वो वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। अब ये लंबवत किरणें जो हैं यहाँ पर तापमान बहुत अधिक होने के कारण हवाएं गर्म होकर इस क्षेत्र से ऊपर की तरफ उठती हैं। अब ये ऊपर उठी हुई हवाएं कहाँ तक जाती हैं? आपके क्षोभ मंडल तक, मतलब लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ऊपर उठती हैं। अब इसके बाद ये ऊपर क्यों नहीं उठती? क्योंकि इस स्तर तक पहुँचने के बाद हवाएँ जो हैं वो पूरी तरह से ठंडी हो जाती हैं और वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाती। ठंडी हवाएँ जो हैं उनमें ऊपर चढ़ने की प्रवृत्ति हमें देखने को नहीं मिलती। जो गर्म हवाएँ होती हैं हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती हैं, लेकिन ठंडी हवाएँ भारी हो जाती हैं, फिर उसमें जो है नीचे बैठने की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ से ऊपर उठी हवाएँ लगभग क्षोभ मंडल की निचली सतह 10 से 12 किलोमीटर तक ऊपर की तरफ उठती हैं, उसके बाद ये ठंडी होती हैं और ठंडी होकर ये उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं मुड़कर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़कर उपोष्ण उच्च दाब की पेटी के पास नीचे की तरफ उतरती हैं। अब अभी मैंने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएँ अपने दाएँ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएँ मुड़ जाती हैं, तो ये क्यों? इसके पीछे एक कारण है जिसे हम फेरल्स लॉ कहते हैं, या एक बल फोर्स काम करता है जिसे हम कोरियालिस फोर्स कहते हैं, और इस बल का पता जो है वो फेरल्स महोदय ने लगाया, इसलिए इसे फेरल्स लॉ भी कहते हैं, फेरल का नियम कहते हैं। उनके अनुसार ये है कि पृथ्वी पर जो भी मतलब ये जो बल है ये फोर्स जो है वो हर गतिशील वस्तु पर काम करता है, और हम ये देखते हैं कि कोई हवा जो अपने स्थान से ऊपर की तरफ उठती है वो जब उत्तरी गोलार्ध में आगे की तरफ बढ़ती है और जिस स्थान पर उसे जाना होता है वो स्थान से विक्षेपित हो जाती है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो या फिर वो दक्षिणी गोलार्ध में हो। और ऐसा किस लिए होता है? ये पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण होता है। हमें पता है भूमध्य रेखा पर और क्रमशः जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों की तरफ जाते हैं उच्च अक्षांशों में, तो इनकी गति में जो है वो अंतर देखने को मिलता है। तो पृथ्वी की इसी अक्षीय गति के कारण हम देखते हैं ये बल उत्पन्न होता है और हवाओं को जिस स्थान पर पहुंचना होता है उससे वो थोड़ा विक्षेपित हो जाती हैं दोनों ही गोलार्धों में, और इस कारण से उत्तरी गोलार्ध में हवाएँ अपनी दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ। अब आप कह रहे होंगे दायां और बायां तो हमारे आमने सामने खड़े होने से जो है वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो इसे आप ऐसे समझिए जिस तरफ से हवा आ रही है यदि आप उस तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं, जिस दिशा से हवा की उत्पत्ति हो रही है, हवा की ओरिजिन हो रही है, उस डायरेक्शन में यदि आप पीठ करके खड़े होते हैं, अपनी पीठ दिखाते हैं उस हवा को, तो आप देखेंगे उस डायरेक्शन में हवा उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं की बाएं दिशा में मुड़ जाती है, और इसे आप इस पिक्चर के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो यही कारण होता है कि ये ऊपर उठी हुई हवाएं जो हैं, अब ये सरफेस की बात नहीं हो गई, जब ये हवाएं क्षोभ मंडल की सीमा पर आती हैं तो हम कह रहे हैं कि ऊपरी वायुमंडल परिसंचरण हो रहा है। जब ये निचले इसमें बहेंगी, निचली सरफेस पे बहेंगी, तो ये धरातली पवनें हो जाएंगी, लेकिन जब ये वायुमंडल की ऊपरी सतह पर फ्लो कर रही है तो ये ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो हवा उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ी है, ये अब उपोष्ण उच्च दाब की पेटी के पास नीचे की तरफ उतरती हैं। ऐसा नहीं है
कि वहाँ पर से हवाएं जो हैं वहाँ पर भी लगभग सीधी पड़ रही हैं उस अक्षांश पर भी सूर्य की किरणें, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर से हवाएं जो हैं वो ऊपर की तरफ नहीं उठती, हवाएं वहाँ से भी ऊपर उठती हैं, लेकिन ये नीचे की तरफ जो बैठती हवाएं हैं वो फोर्स के साथ उन्हें नीचे दबा देती हैं और ऊपर उठने नहीं देती। अब चूंकि इस उपोष्ण उच्च दाब की पेटी पर हवाएं जो हैं वो लगातार नीचे उतर रही हैं, वो हवाएं जो भूमध्य रेखीय न्यून दाब की पेटी से ऊपर की तरफ उठी हुई हैं, तो ये जब नीचे की तरफ बैठती हैं तो हवाएं जो हैं वो एक जगह लगातार उतर रही हैं, तो नेचुरली है कि वहाँ पर हवा का जो दबाव है, हवा का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पर प्रेशर हाई हो गया, और चूंकि इक्वेटर से या भूमध्य रेखा से हवाएं ऊपर की तरफ उठी हैं तो वहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, कारण टेम्परेचर भी अधिक है। तो अब क्या होता है कि ये उपोष्ण उच्च दाब से भूमध्य रेखीय न्यून दाब की तरफ की पेटी की तरफ जो है हवाएं चलने लगती हैं, इस उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, और इसे ही हम कहते हैं व्यापारिक पूर्वा पौने या स्टर्लीज या पूर्वा पौनों के नाम से भी जाना जाता है। स्टर्लीज या पूर्वा क्यों कह रहे हैं हम, ईस्ट की तरफ से आने वाली हवाएं स्टर्लीज या पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं जो हैं वो पूर्वा पौने। इसके पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, आपको दिशाओं का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। आप यहाँ पर देखिए, उत्तर की तरफ ऊपर जो है उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण, आपके दाएं हाथ की तरफ पूर्व हो गया, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम हो गया। अब इस चार मुख्य दिशाओं के अलावा चार अन्य दिशाएं भी होती हैं, जो उत्तर से पूर्व के बीच में हम जाएं तो उत्तर पूर्व, पूर्व से दक्षिण के बीच में आते हैं तो दक्षिण पूर्व, फिर दक्षिण से पश्चिम के बीच में आएँ तो दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम से उत्तर के बीच में हम जाएँ तो वो डायरेक्शन या दिशा जो है वो उत्तर पश्चिम कहलाती है। तो भी मैं कह रही हूँ कि उत्तर पूर्वी पौने उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी पौने या स्टर्लीज या पूर्वा पौने, ये सब एक ही नाम है। तो वो नाम इसलिए, जिस दिशा से हवाओं की उत्पत्ति होती है उस दिशा के नाम के आधार पर ही उसका नामकरण जो है वो कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उपोष्ण उच्च दाब में उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं जो हैं वो उत्तर पूर्व की तरफ से आ रही हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व की तरफ से उत्तर पश्चिम जा रही हैं, और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम जा रही हैं। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, जिस दिशा से उस हवा की ओरिजिन हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, उसी आधार पर हमने उस हवा का नामकरण कर दिया है। तो ये हमने देखा कि भाई ये ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण जो है ये भी इसका भी बहुत अधिक जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है भारत की जलवायु में। इसके अलावा हम देखेंगे कि आप इस मानचित्र पर बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, जब शीतकाल का मौसम होता है और भूमध्य रेखीय जो न्यून दाब पेटी है, हम आगे पढ़ेंगे ITCZ, तो इसके खिसकने के कारण भी हम देखेंगे कि ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से हवाएं जो हैं वो बढ़ती हैं, चूंकि ये पश्चिम की तरफ से आ रही हैं इसलिए पछुआ हवाएं जो हैं वो भारत की तरफ बढ़ती हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी की तरफ, या हम कहें उत्तर भारत की तरफ, और इसके माध्यम से ही चूंकि हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो बीच में आ जाती है, तो ये दो ब्रांचेस या दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं, एक दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और एक उत्तर चली जाती है। तो यही पश्चिमी हवाएं जो हैं जो हिमालय के दक्षिण की तरफ मुड़ रही हैं, इसके माध्यम से चूंकि ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आ रही है तो अपने में पर्याप्त नमी या आर्द्रता की मात्रा लेकर आती है, और ये पूरे उत्तर भारत के जो राज्य हैं, चाहे पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन क्षेत्रों में ये क्या करती है, वर्षा कराती है। तो इसका भी प्रभाव जो है वो हमारे भारत की जलवायु में देखने को मिलता है। अब ये तो हो गई भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात। अब जब हम जलवायु कह रहे हैं तो बच्चों, एक समग्र रूप में या एक मौसम का एक वृहद रूप जो है वो हमने पढ़ा कि जलवायु है,
लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक की अवधि में जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि किसी स्थान का मौसम कैसा है, उस वहाँ पर उस वायुमंडल संबंधी जो दशाएं हैं, तापमान है, आर्द्रता है, वायुदाब है, ये सब की स्थिति कैसी है, और इस आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्थान की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है। तो आइए इस पे एक वृहद रूप में हम बात कर रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधी के साथ साथ मानसूनी जलवायु कह रहे हैं। तो मानसून में भी हमने देखा कि हवाओं की दिशा जो है वो मौसम के अनुसार बदल जा रही है। तो इसके पहले हमको ऋतुओं को या मौसम को जानना होगा हमारे भारत में,